क्रिसमस जो है क्या वो हम परमेश्वर का जो गठबंधन हमारे साथ था जब से उन्होंने इस पृथ्वी की रचना की, आदम और हवा को बनाया था, तब से परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है परमेश्वर का हम वचन हमें क्या सिखाता है कि जब हम सीखते हैं तब हम विश्वास करते हैं जब हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के उस वचन के नीचे आ जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि विश्वास करो विश्वास करने के लिए करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है बाइबल अच्छा कॉलेज में जब कोविनेट के बारे में सुना जब वो सेशन था तो मेरी रूह जैसे एकदम से कांप उठी थी मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि तू मेरी कोविनेट में है तू कहा है एंड मैं मुझे ऐसा लगा जैसे कि वॉल्यूम ना मुझे ऐसा लगा जैसे कि तु? ना और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं और जब मैंने उस सेशन में एक बात को सुना कि जैसे जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था वो भी हमारी तरह अपने एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था वो खुद एक आइडलवर्षी पर था लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया उसने विश्वास किया क्योंकि पहले कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ था उसने परमेश्वर के विश्वास किया वो इसलिए क्योंकि भी उसने जब ये देखा कि कुछ तो है जो आम जिंदगी से अलग है और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरी मैं मैं तेरी वंश को बढ़ाऊंगा I will make you the father of generation। उसने कहा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है मैं खुद एक बुरा इंसान हूं और मैं क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को बताना चाहते थे कि आई एम बियॉन्ड योर लिमिट वैसे कॉविनेंट के बारे में बात किए जाए तो पूरी पूरी बाइबल ही कॉविनेंट में है एक पुराना नियम जिसको हम पुराना कॉविनेंट कहते हैं, एक नया नियम कि जिसको हम नया कॉविनेंट कहते हैं और क्योंकि क्रिसमस है क्यों क्रिसमस आई अब्राहम ही ठीक था को प्रभु ने चुन लिया था और वो चलता ही आ रहा था लेकिन अ अ गॉड गॉड इज ऑफ डिसिप्लिन परमेश्वर होलीनेस को चाहते हैं पवित्रता को चाहते है, को चाहते हैं हैं परमेश्वर हम सबको ऐसा नहीं था कि सिर्फ इब्राहिम को प्रभु प्यार करते थे ऐसा नहीं था सिर्फ मोजिस को प्रभु प्यार करते थे ऐसा नहीं था सिर्फ आयजा या प्रॉफेट या दूसरे जो खुदा के जो शागीद थे सिर्फ उनको प्रभु प्यार करते थे ऐसा नहीं था बल्कि प्रभु ने उनको चुना हमारे लिए क्योंकि उनमें वो पावर थी उनको परमेश्वर ने उनकी अवेबिलिटी को देखा और इसीलिए खुदा ने उनको चुना कि अब वो हमारे लिए काम करे हमारे लिए बाइबल को लिखे हमारे लिए उन दुआओं को वो रिकॉर्ड करे बाइबल में और जब हम तैयार होंगे तो हम दूसरों के लिए वैसे ही एक लीडर बन के हमारी टेस्टिमनी को छोड़ के हम प्रभु के पास जाएंगे और देन दे विल कैरी ऑन जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया उसके पास वो सब कुछ था फिर भी उसके अंदर एक चीज नहीं थी वो थी श्योरिटी उसके पास श्योरिटी नहीं थी इतमान नहीं था उसके पास शांति नहीं थी उसके पास पीस नहीं था उसको पता नहीं था कि एक चलते चलते अगर मैं आगे जाता हूँ मेरी डेस्टिनी क्या होगी हो सकता है कि जब उसने देखा कि जब जब उसका भाई मर गया था उसका छोटा भाई जो नाहोर की जो कि लोद का पिता था अपने छोटे भाई के बेटे को उसने गोद लिया था उसने अपने बेटे की तरह उसको रखा था बट ये वॉज इन श्योर उसको भी लगा होगा कभी ना कभी मेरी मौत भी आएगी और हम नहीं हम देखते नहीं है उसकी अब्राहम की माँ का कोई जिक्र नहीं है तो क्या उनकी माता क्या उन्होंने वो भी देखा होगा तो शायद उन्होंने उसको परमेश्वर को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया होगा अब्राहम हमेशा परमेश्वर को ढूंढता था अंद एवर इज आफ्टर गॉड परमेश्वर कहता है कि वो जो मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है और हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने इब्राहम को चुन लिया उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि वो जानना चाहता था वॉट इज बियॉन्ड द लाइफ उसने अपनी पत्नी को लिया जैसे परमेश्वर ने उसे कहा वो वहां से निकलता है अपने पिता को भी लेके जाता है यह भी सी, कि तरह सी वो अपने पिता का भी ध्यान रखता है और लूद के लिए उसने वो वो केयर रखी क्योंकि वो उसने अपने अपने भाई के उस बेटे को उसने अपने बेटे की तरह पाला था लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया परमेश्वर ने उसके रिश्तों का भी सम्मान किया वो परमेश्वर के पीछे जाता है लेकिन यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उसने परमेश्वर को पाया तब उसकी आशा फिर से जागी उसको पता था वो बूढ़ा है फिर भी उसने उसने वो ही परमेश्वर तू मुझे ये सब कहता है पर अब जब मैं मरूंगा क्योंकि अब मुझे खुशी है उसको अब मरने का डर नहीं है वो ये कहता है कि हाँ मैं मरूंगा मतलब मैं तैयार हूं लेकिन मेरे बाद ये सब सारी मेहनत कौन खाएगा कौन इसका वारिस होगा कौन मेरे बाद तेरे साथ इस धरती पर चलेगा एंड गॉड प्रॉमिसड हिम गॉड प्रॉमिसड हिम लेकिन इसके पहले कि परमेश्वर उसके साथ उसको प्रॉमिस देते परमेश्वर ने उसके साथ एक कोवेनेंट को बांधा एंड आवर गॉड इज अ कोवेनेंट कीपिंग गॉड अ गॉड व्हेन ही कम्स वो हमारे नाम को हमारे रिश्ते को बदलता है परमेश्वर जब वो हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारा हमारे, हमारे रिश्ते बदलते हैं जैसे अब्राहम का नाम बदल के जो उसके पिता ने दिया था परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया अब्राहम परमेश्वर का दोस्त परमेश्वर का अजीज जब हम देखते हैं कि जब मूसा जब जब वो इजिप्त में था क्योंकि वो महल में रहता था परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया अः हम्बल सर्वेंट ऑन द अर्थ माई बेस्ट फ्रेंड परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जब हम शादी करते हमेशा घरानों में रहते हैं जब हम शादी करते हैं हमारी सरनेम चेंज होती है क्योंकि हमारा कॉविडेंट होता है एक फैमिली से हम दूसरे फैमिली के साथ जुड़ते हैं हम उस नाम को अडॉप्ट करते हैं जब बेटा रहता है वो अपने पिता का नाम लेता है जैसे ही वो पैदा होता है उसके साथ अपने पिता का नाम और सरनेम जुड़ता है और जैसे हम जानते हैं कि जब हम एक्ट हम, प्रे, हम एक्ट में देखते हैं हम जो प्रेरितों के काम है उसमें हम देखते हैं कि अंत्योख में हम देखते हैं कि पहली बार वो क्रिश्चियन कहलाए गए हमारी सरनेम क्रिश्चियन है उसके पीछे यही था जब हमारे फोर्थ फादर जब उन्होंने जब उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाया था जब अपने गॉस्पल को गुड न्यूज को अपनाया था और तब उन्हें उनकी फैमिली ने उनको रिजेक्ट कर दिया था आप हमारे नाम को कैरी नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते ये हमारी सरनेम है और हम हम मसीही है तो हमारे दादाजी ने ये क्रिश्चियन नाम अडोप्ट किया था मसीह के पीछे चलने वाले और पहली बार हमारे दादाजी गुजरात में क्रिश्चियन कहलाए गए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के नाम से जाने गए और हम बहुत लोगों को जानते हैं वो मसीह मसीह लगाते हैं अपने नाम के पीछे क्योंकि वो 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 चाहते उस को वो जाहिर करे। बहुत अच्छी बात है एक वचन है दो दो लोगों के बीच में एक एक ऐसी बात है सिर्फ वो दो लोगों अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर हक जमाते हैं उसको कोविडेंट कहते हैं जो परमेश्वर ने इब्राहम के साथ किया था हालांकि वो वो कॉविनेंट एग्जिबिट हुआ इब्राहिम के साथ लेकिन प्रभु ने नोआ के साथ भी किया था जब भी हम मेघधनुष को देखते हैं रेनबो को देखते हैं जितने भी लोग प्रभु को मसीह है जो बाइबल को जानते हैं वो जब भी रेनबो को देखते हैं हम नोआ की स्टोरी को याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि अब कभी मनुष्य पानी से मैं धरती का नाश नहीं करूंगा आई विल नॉट डिस्ट्रॉय दिस अर्थ विद द वोट विद द फ्लड और ये मेरा कॉविनेंट है सात रंगों से प्रभु ने उसको उसको नवाजा उसको ये प्रॉमिस दिया था इतने सारे जिंदगी के रंग प्रभु ने हमारी लाइफ में भरे थे लेकिन ये सब वचन के साथ जुड़ा हुआ है वचन को पढ़ते रहो तो परमेश्वर की कोविनेंट को समझते रहो तो बाइबल स्टडी करना अच्छी बात है पर खुद से भी बाइबल को पढ़ना ये उसे भी अच्छी बात है क्योंकि जो बाइबल तुम्हारी है उसके अंदर जितने वचन है वो सब तुम्हारे है इंडिविजुअल अगर वही बाइबल मेरे पास है उसमें जितने भी वचन है वो सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ उससे खुदा मुझसे बात करते हैं तो मैं आप सबको एंकरेज करना चाहूंगी कि बाइबल को पढ़े और जब हम देखते हैं यहाँ पे मैं आज पहले पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है कि क्या क्रिसमस इज अ पार्ट ऑफ कॉविनेंट वो गठबंधन वो प्रोमिस क्या उसके साथ जुड़ा हुआ है आई थिंक हम सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने सब मसीही है हम कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर है थोड़े मजबूत है पर है प्रभु में सो so ये एक अच्छी खबर है।, एक, एक है, है, है हम एक के साथ शादी करते हैं हम दूसरे लोगों के साथ हमारा रिश्ते नहीं होते है हम एग्रीमेंट को साइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे हुए और हमारा एक रिश्ता बनता है इसी तरह से जब हम प्रभु के कोविनेट में रहते हैं तब काफी सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ने पड़ते हैं God is a God. प्रभु की तरफ से फिर कोई साइन नहीं नहीं आएगा अगर तुम प्रभु नहीं प्रभु के साथ फेथफुल हो फिर भी आपकी मदद करेगा बिकॉज इज अ गॉड ऑफ कोविनेंट कीपिंग गॉड हमारा रिश्ता नहीं टूटता है प्रभु से पर प्रभु खामोश हो जाते हैं क्योंकि कॉविनेंट इज वो दो पार्टी के बीच में बिटवीन द टू पार्टीज फेथफुलनेस की जरूरत है आइए हम अब्राहम से शुरू करते क्योंकि और हम देखते हैं कि एक्चुअली तो प्रभु ने तभी बना दिया था जब प्रभु ने एडम और ईव को बनाया था उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा था हम होते तो हम भी तोड़ते हम उन बार बार दोष नहीं लगा सकते लेकिन हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई थी लेकिन प्रभु ने कोविडेंट नहीं तोड़ा था रिश्ता नहीं तोड़ा था प्रभु ने उसी वक्त एक स्टेटमेंट को सुना दिया था हम जेनेसिस तीन में पढ़ते हैं वहां प्रभु ने कहा था कि मैं सर्प को मतलब जब हम देखते सैटन, सेटन को प्रभु कर्ज करते हैं कि एक कुमारी जन्म लेगी और तू स्त्री जो होगी वो तेरा सिर कुचलेगी क्रिसमस की शुरुआत जेनेसिस तीन से ही हो गई थी बल्कि प्रभु ने वो स्टेटमेंट सुनाया था हकीकत में तो वो पहले से ही तय था लेकिन जेनेसिस थ्री से हम देखते हैं किस तरह से प्रभु हमेशा हमेशा ह्यूमन को बचाते आए हैं हम हमें बचाते आए हैं हमारे लिए स्टैंड लेते आए हैं इसलिए कि परमेश्वर ने एक कॉविनेंट बांधा था जब उन्होंने जीवन का सांस हमारे अंदर फूका था पर हम अब्राहम की बात कर से देखने जाए तो पूरा बाइबल ही कॉविनेंट है पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है और प्रभु का वचन हम थोड़े में नहीं समझ सकते लेकिन शुरुआत जरूर जरूर कर सकते हैं तो मैं पढ़ूंगी जेनेसिस चैप्टर सेवेंटीन ओके, okay. so, मैं पढ़ूंगी आपके साथ जेनेसिस एंड ट्वेंटी लैंग्वेज में पढ़ूंगी और इसमाइल के विषय में सॉरी मैं थोड़ा आगे से पढ़ूंगी जहां से परमेश्वर ने ओके okay. ओके okay, मैं चैप्टर मैं वर्स 10 से पढूंगी जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 10 मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी सी सो so ये है कि तुमने तुम में से एक पुरुष का खतना हो दिस इज माय कोवेनेंट गॉड सेड टू अब्राहम दिस इज माय कोवेनेंट व्हिच यू शाल केप बिटवीन मी एंड यू एंड thy seed after thee every man child among you shall be circumcised तुम अपनी अपनी लड़की का अपनी अपनी खलड़ी का खतना करना कर लेना जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा एंड ये शैल सर्कमसाइज़ द फ्लैश ऑफ योर फोरस्किन एंड इट शैल बी टोकन ऑफ द कवेनेंट बिटवीन मी एंड यू थोड़ा हा, समझना मुश्किल है लेकिन उस वक्त यही कल्चर था और परमेश्वर ने उनके साथ क्योंकि ये जो कल्चर जो है वो जनरेशन के साथ जुड़ा था ये एक ऐसा कॉन्विनेंट है जैसे एक शादी ब्याह में रहता है जब एक शादी होती है पति और पत्नी की और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे वंश बढ़ता है और परमेश्वर यहाँ पे एक इंसानी लेवल पे आके बात करते हैं और परमेश्वर एक रिश्ता बनाते हैं अब मैं पढ़ूंगी वर्स ट्वेंटी और ट्वेंटी टू को पढ़ूंगी मैं और इस्माइल के विषय में भी मैं तेरी मैंने तेरी सुनी है उसको भी आशीष दूंगा और उसे फैलाऊंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा उसे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा एंड एज़ फॉर इस्माइल आई हैव हर्ड thee behold i have blessed him i blessed him and i will make him fruitful and will multiply him exceedingly twelve princes shall be begotten and i will make him great nation After that. बट thee at विल आई एस्टैब्लिश in the नेक्स्ट ईयर परंतु मैं अपनी वाचा ईसाकी के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम के दो बेटे होते हैं पहले ऐसा होता है जब उसको बच्चे नहीं हो रहे थे एंड डज एन इवन नो हाउ मेनी चिल्ड्रेन इब्राहिम हम हमेशा दो की बात करते हैं पर अब्राहम को आठ बेटे थे पहले इस्माइल था जो हाजरा से हुआ था हेगार से और दूसरा जो था वो ईसाक था जो जोडेंट चाइल्ड था जिससे प्रभु ने अपना बांधा था के साथ उसके बाद उसको और छह बेटे दूसरी औरत से हुए थे यहाँ पे हम देखते थे कि परमेश्वर ने भी अब्राहम को बताया कि जो तेरी नजर में नामुमकिन है मतलब वो बोलता था कि मैं बूढ़ा हूं अब तो मैं शरीर में मर चुका हूँ लेकिन जो परमेश्वर में है वो अमर है उसमें पानी के सोते बहेंगे उसमें से जिंदगी निकलेगी आप में और हमें से जिंदगी निकलती है हम अब्राहम से क्या सो, हम ये सोचते हैं, अब्राहम का खुदा के साथ रिश्ता था सब वो हो गया अब्राहम प्रभु में सो गया ये हो गया नहीं अगर अब्राहम विश्वास का पिता है तो उसके बच्चे भी है सिर्फ वो नहीं है जो उससे पैदा हुए थे दर इज मोर क्योंकि गॉड इज नॉट अ लिमिटेड गॉड गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस परमेश्वर ने उसे सहरा के साथ जो उसका रिश्ता था उसका था उसको बहुत ब्लेस किया परमेश्वर ने देखा था किस तरह उसके साथ आती है और यहां तक कि परमेश्वर ने उसको ऑनर किया क्योंकि जब जब अब्राहम मिस्र में जाता है जब वो में जाता है उसने सेरा को दाव पे लगाया था उसने कहा अगर मैं ये कहूंगा कि तू मेरी बेटी तू मेरी बहू है तो मुझे मार देंगे सेहरा राजी हो गई वो झूठ बोलने के लिए और उनके साथ जो भी वो कहे वो करने के लिए

ऑनर करती है और कहती है ये लेट दट शी लव्राहम विदुलनेस ऑफ कॉवेंट एंड शी ऑनर मी एस वेल बट शी डिट ट्रस्ट मी वो इसलिए कि परमेश्वर का अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ था But she believed. प्रभु ने उसे नहीं डांटा उससे जो उसके जो हाजरा से या हैगार से जो बच्चा हुआ था परमेश्वर ने उसको भी इस्माइल को भी जो हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं क्योंकि वो तेरी संतान है वो नहीं थी जो मैंने कहा था मैं उससे भी ब्लेस करूंगा काफी लोग हम ये सोचते हैं कि इस्माइल जो है वो मुसलमान का शुरू करने वाला था बाइबल हमें नहीं कहती है इस्माइल खुद परमेश्वर में मानता था वो इब्राहिम का बेटा था हम देखते हैं किस तरह से ईसाक और इब्राहिम जब हम जेनेसिस को पढ़ते हैं दोनों ने मिलकर अपने पिता को दफनाया था वो हमेशा भाइयों का रिश्ता अच्छा रहा था कभी भी उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा है मैंने मैं कभी कभी सोचती थी सो so, जो इस्माइल था हालांकि वो इब्राहम और सहरा के साथ कॉविंड में नहीं था लेकिन बिकॉज वो अब्राहम की संतान थी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया वो बहुत बड़ा तीरंदाज बना वो राजा बन गया सहरा का परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया और हम देखते हैं कि वो वो भी अपने फैमिली के साथ रिश्ता रखता था आर रियली गुड टेस्टी मनी ही बिलीव इन गॉड इसलिए कि तेरह साल वो इब्राहम के साथ रहा था उसका एक लौता बेटा बन के जब तक आइजक पैदा नहीं हुआ उसको परवरिश मिली थी जैसे कि लूत को लूथ जो कि उसका भतीजा था और परमेश्वर जब हमारे रिश्ते में आते हैं तो वो हमारे साथ फेथफुलनेस से रहते हैं ही फेथफुलनेस तो हम देखते हैं जब सदोम अमोरा का जो नाश करना था तब परमेश्वर ने क्या कहा था क्या मैं अब्राहम को बिना बताए ऐसा कुछ कर सकता हूँ वो क्यों क्यों अब्राहम के बारे में काफी सारे ऐसे सिटीज थे जो ऑलरेडी पापों में थी या ऑलरेडी परमेश्वर के खिलाफ थी क्योंकि लोथ लोथ के लिए वो दुआ करता था उसका उसका बेटा था उसका भतीजा था उसको प्यार किया था उसने परमेश्वर की बातें सिखाई थी इसीलिए लूथ राइचली वहां रहता था क्योंकि उसको था कि अगर मैं उसका नाश कर करूंगा और अगर लूत को कुछ हुआ तो मैं अब्राहम से क्या कहूंगा और अब्राहम हमेशा उसके पीछे था परमेश्वर अगर एक भी होगा वो अपन, वो लूत के बारे में बात कर रहा था लेकिन उसकी हम्बल नहीं थी वो बोल नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उससे ये कहा था कि आइजिक तेरा बेटा होगा शायद उस वजह से उसने लूत का जिक्र करना शायद उसको थोड़ा हिचकिचाट हुईन को समझ नहीं पाया बट हियर इज Do I do anything behind my servant Abraham without without even telling him? Can I do anything? थिंग सिर्फ और सिर्फ लूथ के लिए परमेश्वर अपने दूत को बेचते हैं लूथ को निकाल के ले आते हैं कोई भी नहीं बचता है पर उसकी बीवी और जो उसकी बीवी उसकी दो बेटियां और लूथ बाहर आते हैं लेकिन उसकी बीवी वो पीछे मुड़के देखती है एंड वीनो और बाइबल कहती है लूथ की बीवी को याद रखो वो वो हमें क्या सिखाता है क्यों परमेश्वर के खुद के वचन है कि लोद की बीवी को याद रखो वी मस्ट वाइफ वो वो है जो कॉविनें को छोड़ के पीछे इफ यू आर इन द गॉड डू नॉट लुक फॉर अदर गॉड्स डू नॉट लुक फॉर आइडल वर्शिप डू नॉट लुक फॉर एनी एनी विच क्राफ्ट अगर विच क्राफ्ट एक ऐसा दलदल है उसमें इंसान फंसता रहता है की जो विच क्राफ्ट है वो इंसान की आत्मा के पीछे पड़ता है उसकी जान के पीछे पड़ता है उसको लेके बस वो वो चाहता है कि मैं उसको किस तरह से ले जाऊं अपने किंगडम में कि परमेश्वर को अपने मरने पर शर्माए मस्ट कीप आविनेंट और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से लूथ की वजह से परमेश्वर अपने कॉविनेंट को याद करते हैं और लूथ को बचाते हैं इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर आइजिक को ब्लेस करते उसके द्वारा जेकब को ब्लेस करते जब जेकब कोविनेट में आता है परमेश्वर ने कहा था कि जेकब ब्लेस होगा यहाँ पे अगेन हम फिर से देखते हैं कि रिबे का जो है वो जेकब का पक्ष लेती है क्योंकि उसने जान लिया था वो भी सहरा की तरह परमेश्वर की मदद करने चली जाती है और क्या होता है कॉविनेंट नहीं टूटता है पर जेकब सहन कर उस, उसे सहन करना पड़ता है लॉट और देखो क्या होता है लेकिन वो भी एक करता है कि प्रभु अगर तू मुझे घर तो बनाऊंगा और परमेश्वर भी उसे कहते इसके पहले कि वो कॉविडेंट बांधे परमेश्वर ने बोला तू जहां पे भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा हालांकि तब तक इब्राहम प्रभु में सो चुका था लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे कहा था मैं तेरी नस्लों के साथ तेरे वंश के साथ आई विल बी विनरेवर और इसीलिए परमेश्वर ने जेकब को उसके बाद हम देखते हैं इज़राइल कोम को प्रभु निकालते हैं प्रभु मोजिस को खड़ा करते हैं मोजिस को क्यों मोजिस पैलेस में हुआ था क्योंकि उसको लीडरशिप को सीखना था उसको इजिप्त के जो तौर तरीके वो सीखने थे और हम देखते हैं जब जब इसराइलाइट जब ब्याबार में आती है विल्डरनेस में आती है तो जो इसराइलाइट जो थी उनको इतनी मजदूरी करनी पड़ती थी फिर भी उनको वापस जाना था पर यहाँ मोजेस है एक बार कॉविनेंट कर लिया वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो चाहे तो वापस जा सकता था वो फिर से प्रिंस बन सकता था वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता था लेकिन उसने परमेश्वर के साथ जो जो अपनी जिंदगी को देखा उस कॉविनेंट को देखा उस वफादारी को देखा तब उसको लगा कि नहीं अब मुझे वापस नहीं जाना है पर हम देखते हैं कि मोजेस जो है वो प्रोमिस नहीं जा सकता है लेकिन वो जो चालीस साल उसने प्रभु के साथ बिताए थे वो वही वही पे सो जाता है प्रभु में और एक और प्रभु की हर एक बात को मानता है And that is परमेश्वर के साथ उसका कोविडेंट जो था वो बस परमेश्वर में रहना चाहता था और फिर हम आगे देखते हैं कि दैटिनेट जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया था नाउ मेरा जो टॉपिक है कि क्या क्रिसमस वो पार्ट ऑफ द कोवेनेंट अब्राहम के साथ जो था कि मैं तेरी नस्लों को मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं उनको भी ब्लेस करूंगा आर वी चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम सम ऑफ देम नो आर वी रियली चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम क्या हम उसी के नस्ल से पैदा हुए थे हमें नहीं पता हमारे सवाल हमारे सवाल इतने गहरे होते क्योंकि हम कोवेनेंट को नहीं समझते हम समझते हैं हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता हमारी हमें हमें क्यों कुछ नहीं दिखाई देता क्यों सिर्फ पास्टर्स को देता है क्यों किसी की दुआ सुनी जाती है हमारी नहीं। सु, दुआ उसको वो श्योरिटी और गारंटी मिल जाती है हम टाइम जोन में रहते हैं अगर मुझे ऐसा है कि मुझे सुबह का टाइमिंग पसंद है तो 24 हमारे दुआओं का जवाब दे देता है बट वी हैव टू वेट फॉर अ टाइम जैसे दानियल की दुआ दानियल ने कोविनेंट किया था उसने राजा को बोला था मैं तुम्हारे मेज पे से नहीं खा सकता I have a covenant with my God. My God is a faithful God. तू कल मर जाएगा लड़ाई में मरेगा या किसी भी तरह मरेगा कोई और राजा आएगा लेकिन अगर मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ टूट गया तो मेरे लिए और कौन आएगा He knew it. My God will give me life. अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी मुझे मुझे नया जीवन मिलेगा मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा जब वो कॉविडेंट के लिए वो परमेश्वर के रिश्ते के लिए खड़ा रहता है थ्रू ही फायर जब उसको आग की झील में फेंकते हैं परमेश्वर उसके साथ आ जाते हैं एंड एवरी वन नोज से तीन को फेंका था चार को देखा था चौथा कौन था परमेश्वर का दूत एक मनुष्य पुत्र की तरह हमारा ये यीशु मसीह था हमने जब जब हम बच्चन को पढ़ते हैं कि जब जो लोग प्रभु के साथ चले हैं, उनके साथ प्रभु खड़े हैं, भले हम नहीं देख सकते But God is there. अगर कुछ होता है बुरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा क्या परमेश्वर को नहीं पड़ी अपने covenant की कॉन्विनेंट कीपिंग गॉड इज गॉड लाइंग और वी लाइंग हम डर सकते हैंड हुन ब्रेक दैट कॉविनेंट कौन परमेश्वर के मन को ये कह सकता है कि तू ये तोड़ दे नो बन नो बोन हम किंग डेविड को देखते हैं वो वर्षी पर था बचपन से उसने परमेश्वर की ताकत को देखा था और उसने परमेश्वर के साथ चल के एक ऐसा कॉविनें बांधा था क्योंकि उसने देखा था परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था he had a thankful heart. उसने देखा था किस तरह से उसने जाति जुलियत को मारा था ही न्यू वेट इस बियॉन्ड माई मतलब वो एक सात साल का बच्चा है उसने अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं किया था क्योंकि वो जो पत्थर की जो स्पेड थी वो उसके एक छोटे बच्चे के हाथ से नहीं आती

परमेश्वर के लिए वो वो परमेश्वर की ताकत को अपने हाथ में रखना चाहता है परमेश्वर के कॉमेंट को वो कुछ देना चाहता है ही बोथ कमिंग कमिंग एंड एंड बैठा नहीं रहा प्रभु मैं जाऊंगा आऊंगा टाइम मिलेगा तेरे लिए नो लॉर्ड आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन बोथ वेज इक्वली मे बी माई लेवल इज टू लॉ बट इज स्टिल वर्किंग इट्स नॉट वन वे

कहीं मेरे लिए बंद ना हो जाए कहीं और दिशा में नाराज होके ना चला दे जस्ट वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट नो इट्स इट्स ऑल ऑल अबाउट अबाउट यू यू मैं मैं खुद सीखती हूँ वो मेरे मेरे लिए मेरे गुरु है परमेश्वर की एक गिफ्ट एक तोहफा है एंड आई लव इट मैं भी चाहती हूँ बस किस तरह से जुड़े रहे परमेश्वर को अच्छा लगता है जब एक बच्चा जब बोलने लगता है हम बोलते पापा बोलो मम्मी बोलो हर एक कोई दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ले लो दे ऑल वॉन्ट टू हियर मम्मी और डैडी कॉविडेंट को बांध बांध के रखना चाहते हैं बच्चों को हम हर एक चीज देते हैं कि वो खुश रहे ताकि हमारा बना रहे होती है मुश्किल शादी के बाद जब बेटे की बहू आती है माँ बाप एक होता है कि हमारा कॉविडेंट ना टूट जाए हमारा रिश्ता कमजोर ना पड़ जाए बिकॉज इट्स ह्यूमन दैट्स दू लव और प्रभु हमें इसीलिए उसी एक ह्यूमनली कॉविडेंट को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ट के रखने कोविनेट को रखने के लिए हम जानते हैं हम दिसंबर का महीना क्यों सेलिब्रेट करते हैं आज तुम परमेश्वर के कोविनेट को समझो आज क्रिसमस के सही मायने को समझो तो आपके जीवन के नजरे बदल जाएंगे क्रिसमस आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेके आएगी हर क्रिसमस आप वेट करोगे कि गॉड आई विल सेलिब्रेट एंड यू विल सेलिब्रेट विथ मी इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग परमेश्वर की कहानी सिर्फ अब्राहम के साथ ईसा के साथ याकूब के साथ या मोजिस के साथ या या पुराने नियम के साथ या यीशु मसीह के साथ खत्म नहीं हुई थी हर बार कहानी शुरू होती है और इतनी तेजी से दौड़ती हर बार कहानी शुरू होती है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता ये कहानी खत्म हो ये कहानी अमर रहे जैसे हमारा परमेश्वर अमर ये एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है कभी परमेश्वर या गॉड डजंट वांट टू एंड दी स्टोरी ही डजंट वांट टू अगर परमेश्वर चाहे तो और नबिया आएंगे और मिरेकल्स होंगे आप अपने हालातों से ना डरे कई बार हम सुनते हैं कि मुश्किलों से ना कहो कि तुम बड़े हो मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है कोज माय गॉड इज अ गॉड ऑफ जिसने हमें बनाया है क्या वो ये नहीं जानता मेरी मेरी बॉडी में क्या कमजोरी है कहाँ पे क्या हो रहा है हम अपने बच्चों को जब ठंड आती है सर्द आती है टोपी पहनाते हैं ग्लव पहनाते हैं हम कोट पहनाते हैं गर्मी आती है हम पतले कपड़े पहनाते हैं अगर हम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं जब हमारे हमारी, हमारी जिंदगीओ में सिकनेस आती है जब बीमारियां आती है मुश्किलें आती है कर्स आते हैं डू यू थिंक यू गॉड इज नॉट डूइंग एनी क्या तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं करता सिर्फ गद्दी पे बैठे रहते हैं अगर वो ही करना था तो यीशु मसीह क्यों आते डू यू थिंक यू गॉड इज नॉट गुड इनफ ही गुड फॉर यू टू डू एटलीस्ट और परमेश्वर में तो इतनी ताकत है हम हम देखते हैं कि नए नियम में कैसे वो वो बोलता है वो जो जो परमेश्वर के पास आता है कि पर प्रभु तो सिर्फ बोल दे तू मेरे घर पे मत आ मैं तेरे लिए मेरे तेरे लायक नहीं हूँ यू से एंड इट विल हैपन परमेश्वर ने बोला मैंने ऐसा विश्वास किसी का नहीं देखा मैं खुद जब दुआ करती हूँ कि परमेश्वर मैं उस लायक नहीं हूं मतलब परमेश्वर का अगर वो गद्दी पे बैठे भी रहते हैं परमेश्वर पर वो बोल देंगे तो भी होगा उनके पास इतने सारे एंजल्स है मैंने एक हेवन टेस्टी मनी देखी थी एंजल्स सिर्फ बैठे हैं और उस बंदे ने पूछा कि तुम लोग किसका इंतजार करते हो वो बोलते हैं कि कोई कुछ मांगता ही नहीं है परमेश्वर यही बोलता है अगर वो मांगेंगे तो मैं ये सारे एंजल्स को भेज दूंगा गॉड इज रिस्पेक्ट यूर स्पीच एंड रिलेशनशिप वो इंटरफियर नहीं करेगा तुम्हारी आम जिंदगी में अनलेस एंड अनटिल ही हैज पर अगर तुम नहीं बुलाओगे तो प्रभु आपको बॉधर नहीं करेंगे एड और ईव को प्रभु ने कभी हमेशा उनके साथ नहीं रहे थे देट देम गो फ्री न्यू विद डू दिस

इसीलिए हम हमारे वक्त पे प्रे करते हैं कि प्रभु अब मैं फ्री हूँ अब मैं बात करना चाहती हूँ अब मैं दुआ करना चाहती हूँ अब मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ एंड गॉड ऑन दैट बिकॉज अब तुम तुम्हारी मर्जी से आए हो एंड गॉड इज योर रिलेशनशिप गॉड ऑन योर प्रेजेंस एज वी प्रेजेंस गॉडस ऑन खुद ये वचन कहा है कि तू लिख हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु मैं उसपे विश्वास करती हूँ और तुझे रिमाइंड नहीं करा रही हूँ मैं अपने आप से वो विश्वचन को लेती हूँ और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ और तुझसे ये मांगती हूँ कि प्रभु उस की खातिर तू मेरी मदद कर प्रभु ने सैरा को कभी नहीं धमकाया था He knew it. उसका हार्ट कमजोर था रेबेका को कभी नहीं धमकाया था प्रभु ने अपने लोगों ने जब भी गलतियां की प्रभु यही समझाना चाहते थे कि तुम्हारी कमजोरी को भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ जब अब्राहम के साथ कॉविनेंट किया था मैंने बाइबल कॉलेज में आई वुड लाइक टू एंकरेज कि अगर तुम लोग बाइबल कॉलेज में हो अपने फैमिली को सिखाओ कि प्रभु का जो कॉविनेंट था वो कितना इम्पोर्टेंट था और अभी भी है इट इज कंटिन्यू इट्स गोइंग प्रोसेस परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू दो पिजन ले दो कबूतर को ले उसको दो हिस्से में काट दे और उधर रख दे इट्स अ पार्ट ऑफ माई कॉविनेंट विथ यू ब्लड कॉविनेंट

आपको लगता है कि परमेश्वर ने कमा कोवेंट तोड़ा या इंसान ने कोविनेट को तोड़ा हमेशा इंसान ही तो, तोड़ता आया है हम देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं हम दिस क्रिसमस है वो बछड़ा बनाया बियाबार में मोजेस के खिलाफ उन्होंने बुलबुलाट की और क्या हुआ उन्होंने कहा ये जो बछड़ा है वो यावे है वो और वो बोलने वाला और कोई नहीं था मोजेस का भाई आरन था उनकी आंखों के सामने उन्हें देखा समुद्र के दो हिस्से होते हुए उन्होंने उस टेन प्लेग्स को देखा मैंने फेवर की हमारे परमेश्वर गॉड इज द गुड गॉड राइचियस गॉड फिर भी क्या हुआ God was broken. और क्या हुआ जो कॉविनें तोड़ा जब वो वापस मूर्ति पूजा में गए स्टार्टेड परमेश्वर ने इब्राहम के साथ एक कोविनेट किया था जो भी कॉविनेंट तोड़ेगा <coughs> pardon me, उसके दो टुकड़े किए जाएंगे और जो नहीं तोड़ेगा वो उसके बीच में से जाएगा एंड हियर आर गॉड अ ग्रेट गॉड अट की if human will die they will be die forever because they do not have eternity into their life and that's where jesus came wo hamari hamari jagah unhone le li unhone insaan ka roop le liya parmeshwar ne reverse kar diya role ko he came onto this earth और इसके आने से पहले परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर के जितने भी नबी उस उस वक्त थे वो प्रभु में सो गए थे नए नबी आए थे परमेश्वर उनके साथ बात करते रहते थे करते रहते थे एंड हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं उसका सातवा अध्याय और उसकी चौदवी आयत को मैं पढ़ूंगी हालांकि हम सब जानते हैं लेकिन हम वचन से देखेंगे हम वचन में ही रहेंगे आयजाया की किताब यशाया का पुस्तक यशाया की किताब मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगी उसका सातवां अध्याय और उसकी आयत आयात इस कारण क्योंकि टूटा था क्योंकि वो बात हुई थी कि जो भी तोड़ेगा वो मरेगा और जो नहीं तोड़ेगा वो उसके बीच में से चलेगा एंड हियर यहाँ हम देखते हैं इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुअल रखेगी ऑलरेडी प्रभु ने कह दिया क्योंकि तब तक लोगों को पता चल गया था कि अब इसराइल का खुदा नाराज हो चुका है अब हम जब लड़ने जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ नहीं आते हैं। पूरी इसराइल कौम बिखर चुकी थी वो मूर्ति पूजा में विच क्राफ्ट ने वो सब पाप वो जो गुनाह जो उनको उनको नरक में लेके जा सकते हैं मतलब गे लेस्बियन जो भी सदोम में हुआ था वो सब वापस से हो गया और फिर जब उनकी आत्मा अब्राहम से मिलती तो परमेश्वर उसे क्या कहते क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन दिया है उससे मैं अपना कॉविनेंट बनाऊंगा उससे जो नस्ले होगी उसकी जो पेड़िया होंगी उसको मैं पेड़ी दर पेड़ी युगानु युग में उसको ब्लेस करूंगा अब्राहमुड लॉर्ड इस Uganda, that means forever and ever and ever eternal. God says, though Abraham is sleeping, I'm still faithful, though he is not with me, the covenant between us is still there. a friendship is still there, a love is still there, we're going to cherish, we're going to rejoice That time God says, we will cherish. we will cherish the day will come we will cherish and here god says that abraham is not there the covenant is there a covenant tuta hai jis jo jisne toda hai wo marega and here god reverses the role wo khud insaan ban jata hai par wo ye kehta hai you can sit on the heavenlies with me परमेश्वर ने अपने परमेश्वर को कहा कि जब तक मैं तेरा काम पूरा ना करूं तू मेरी गादी पर मेरे दाहिने हाथ पे बैठ ये vision किंग डेविड ने देखा था और यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ गए यस क्रिसमस इज द पार्ट ऑफ कोविनेंट जो कोविनेंट इंसान ने तोड़ा इसीलिए इंसान को मरना था यीशु मसीह ने वो रोल रिवर्स कर दिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भगवान इंसान बन गया मैंने लास्ट टाइम कहा था हर एक इंसान काफी सारे लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं चैरिटी करके बिजनेसमैन बनके ये करके वो करके यहाँ एक खुदा है जो इंसान बनने के लिए मरने के लिए कॉविनेंट को रखने के लिए मरने के लिए तैयार हो गया एंड वेद क्रिसमस है स्टार्टेड लॉन्ग गो। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले साढ़े चार सौ साल चार सौ तीस साल पहले ये वचन आयजाया प्रोफेट ने इसराइलियों के लिए कह दिया था कि डोंट वरी आप हमारे पिता इब्राहिम प्रभु में सो गए हैं मूसा सो गया है

Though Abraham is sleeping for a while, but God is still with us. And that's where the Christmas has started. That's where the thought, when God has decided, when God has released this prophecy, the Christmas was started. Yes, Christmas is the part of covenant. Because we are in a human frame. Even Mother Mary, she was the biggest part of this, this God's work and covenant.

and this this is is where we know why Jesus is born to keep this covenant. covenant तक, तक ंग जिंदा था वो यीशु मसीह के बारे में prophecy करता रहता था और उन्होंने ये कहा कि तुम डरो मत अगर तुम मरते भी हो उसी आशा में मरो कि परमेश्वर ने कॉविनेंट दिया है कि तुम्हारा

परमेश्वर हमारा कोवेनेंट कीपिंग गॉड है क्या वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तुम्हारे आंसू को नहीं पढ़ सकता हमारे लिए आंसू एक खामोशी जितने दर्द ज्यादा रहता है उतने आंसू गर्म होते हैं उतनी वो प्रभु के आगे चिल्ला के दुआ करते हैं हमारा बेटे के गाल पे हम आंसू देखेंगे हम नहीं रोक पाते अपने आप को हमारा दिल ऐसे दुखता है तो क्या आपका परमेश्वर सिर्फ बैठे-बैठे सिर्फ बस वही कि हां मैं खुदा हूं नहीं

गलातियों का पुस्तक uh, मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारे एशियन लोग है वो बोलते हैं गलतियों की पुस्तक ये गलती नहीं है ये गलातिया है एक शहर है वहां पे एक कलेसिया थी और इसका नाम पॉलिस ने उसको एक खत लिखा था सो so, ये गलातियों की पुस्तक है सो गलेशियंस चैप्टर थ्री गलेशियंस चैप्टर थ्री ओके okay. उसमें मैं पढ़ूंगी ये थोड़ा लंबा है पर ये हमारे लिए है अब यहां देखो हम कॉविडेंट में कैसे फिट होते हैं मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी और हिंदी में भी पढ़ूंगी मैं वर्स थ्री से पढ़ूंगी ओके okay. ओके okay. मैं वर्स मैं वर्स सिक्स से पढ़ूंगी आपके लिए गलेशियन चैप्टर थ्री गलातियों की पुस्तक तीसरा अध्याय को हम पढ़ेंगे इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं इब्राहिम की संतान है और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा पहले ही से इब्राहिम को यह सुमा सुचार सुना दिया कि से मैं सब जातियों को आशीष दूंगा और सब जातियां आशीष पाएंगी यहाँ परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि ज्यूस परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ तेरी संतान अगर यही होता तो इस्माइल को वो ब्लेस नहीं करते हालांकि वो उसकी दासी से पैदा हुआ था लेकिन था तो इब्राहिम की संतान उसका खून था पर यहां हमको परमेश्वर ने यहाँ पहले से ही कह दिया था कि सब जातियां सब जातिया परमेश्वर ने ये नहीं कहा था ओनली तेरे बेटे तक येगा रहेगा सब जातिया और यहाँ पे पोलूस को फिर से ये परमेश्वर याद दिलाते हैं परमेश्वर उसको क्योंकि जब पॉलूस जब भी लिखता था वो भी मोजेस की तरह से मोजेस ने पहले पांच पुस्तकें लिखी थी मूसा ने पहले पांच पुस्तक लिखे हैं बाइबल के और हम पीछे ये जितने भी देखते हैं पोलूस ने लिखा है पत्रस ने लिखे है कुछ और हम देखते हैं यूहाना ने जो वो लिखा है रेवलेशन पर ये हमारे लिए है हम यहाँ फिट होते हैं इसी कॉवेनेंट में अब्राहमिक कॉवेनेंट में प्रभु यीशु मसीह के कॉवेनेंट में और ये क्रिसमस के कॉवेनेंट में अगर हम विश्वास करते हैं अगर आज हम मसीही हैं अगर आज हम इस कॉवेनेंट को समझना चाहते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर से क्या है तो ये है विश्वास जिस जिन्होंने परमेश्वर पे किया है वो विश्वास से अब्राहम की संतान है और वो जो कॉविनेंट टूटा था यीशु मसीह ने ह्यूमन फॉर्म में क्रिसमस के दिन पैदा होके हमारे लिए उस कॉन्विनेट को पूरा किया है और हम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान है उस से जितने भी के बनते हैं है, वो सब मेरे और आपके बनते हैं आज आपके लिए क्रिसमस क्या मायने रखती है क्या आप इस वचन को गलेन सिक्स सेवन मतलब पूरा चैप्टर गलेन थ्री जो है वो वो है जो यीशु मसीह आए हमने विश्वास किया और अब हम इस कोवेनेंट में कहा फिट होते हैं इस क्रिसमस पार्ट ऑफ योर गॉड क्या परमेश्वर आपको आज वो कोवेनेंट को करने के लिए बुला रहे आज आप क्रिसमस को सेलिब्रेट इस वजह से करते हो कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है क्या इसलिए कलीसिया एक दुल्हन है तो क्या आप सच में उस दुल्हन की तरह सजते हो या परमेश्वर का इंतजार करते हो कि जिस तरह से परमेश्वर ने बोला था कि मैं इब्राहिम को बिना बताए कि जिसका भतीजा वहां रहता है जिसके लिए वो रात दिन दुआ करता है उसको बिना बताए मैं मैं इब्राहिम से क्या मुंह दिखाऊंगा ही सेड आई मस्ट इब्राहम लुक दिस इज गोइंग टू है आई एम गोइंग टू रेस्क्यू हिम सो बी एटीस तुम्हारे घर में कुछ आता है क्या परमेश्वर तुम्हें कहते हैं कि तेरा और मेरा रिश्ता है ये आने वाला है पर मैं तेरी मदद करूंगा यू बी एट पीस मैं शांति से सो भी जाऊंगा और मैं अच्छी नींद भी काटूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है मुझे याद है एक दिन इसके पहले की कोविड शुरू हुआ एक दिन सुबह मैं दुआ कर रही थी और परमेश्वर बार बार मेरे मन में डाल रहे थे कि साम 91 पढ़ साम 91 पढ़ मैंने पढ़ा और फिर बोला जब तू काम पे जाती है तो अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ मेरी फ्रेंड भी क्रिश्चियन है एंड आई टोल्ड जब परमेश्वर मुझसे ये बात कर ही रही थी कि उसी फ्रेंड का फोन आया कि आज मैं काम पे नहीं आ रही हूँ लॉर्ड देर इज समथिंग परमेश्वर ने बोला कल कर लेना हमने दूसरे दिन प्रार्थना की और फिर पता चला कि कोविड ब्रेकआउट हुआ है पर मुझे नहीं पता था कोविड मेरे घर में आने वाला है we prayed, we cover ourself, हमने दुआ की प्रार्थना की एंड हियर आई एम मुझे का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं था पर जब मैं इस वचन को तैयार करी थी मुझे याद आया कि क्या परमेश्वर हमें बिना बताए हमारे देश में या हमारे घर में किसी भी आपत्ति को आने देंगे इफ वी आर इन द कोविनेंट विथ गॉड गॉड विलीपेयर एंड गॉड विज गोइंग टू है

He परमेश्वर ने वह हमें खड़ा किया ही इज आ गॉड वो हमें बिना बताए कुछ नहीं करेंगे अगर 400 साल पहले कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए एक मसीहा पैदा होगा तो और हमें ये भी बताया गया है कि जब प्रभु दूसरी बार आएंगे तब क्या होगा परमेश्वर पे विश्वास रखे मुसीबत आने से पहले परमेश्वर आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है सो यू कैन बी प्रीपेर्ड यून गोइन टू हमेशा प्रभु के साथ रहता था जोशुआ सिर्फ मूसा से इंस्पायर हुआ था वॉज इंसपायर्ड बाई मोजेस और किसी को नहीं पता था टू बी द नेक्स्ट लीडर बट हियर ही हमेशा उसको बोलता है तू मेरे पीछे पीछे क्यों आता है

मूसा कभी वापस नहीं गया मुड़ के जोशुआ कभी को छोड़ के नहीं गया सो मैनी डिसाइपल्स प्रभु के पीछे आए प्रभु ने बोला तुम जाना चाहो तो चले जाओ काफी चले गए पर पर प्रभु के जो शिष्य थे पत्रस ने कहा प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है हम किसके पास जाए जा जाके तो मरना ही है एक ने एक दिन पर उसकी बात क्या कीप यनेंट विथ गॉड आप गॉड इज कॉविनेंट कीपिंग गॉड आप कमजोर पड़ सकते हो पर कॉविनेट टूट नहीं सकता तो आप परमेश्वर के साथ चले परमेश्वर से विश्वास कर विश्वास करें। और इस इस क्रिसमस को तरह से मनाए कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता था इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत मरने के लिए यीशु मसीह को भेजा हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस क्रिसमस को ईस्टर का कभी कभी करते नहीं करते प्रभु के लिए रोते हैं और प्रभु ने कहा मेरे लिए मत रो जरूसाल की औरतें आप मेरे लिए मत रो अपने बच्चों के लिए रो अपने लिए रो कि तुम्हारा कॉविनेंट ना टूटे अपने लिए दुआ करो बी इन बी विद गॉड बी इन द इटरनल लाइफ लॉट मोर जीजस वॉन्टेड से प्रभु ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो समझ नहीं थी उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग और विजडम नहीं थी और परमेश्वर ने हमारा रोल ले लिया जो प्रोमिस इब्राहम को किया था Jesus has has took upon him and 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 is still now on and on. ये, ये covenant Paulus Paulus म, murderer But था, he था, था, he was a, he was a a true Jew. का and God has seen that. वचन कहता है गरम रहो या ठंडे रहो वो गरम था वो वो यहुआ के लिए लड़ता था उसको कभी नहीं पता था शायद उसने उसने, उसने मोजेस के लॉ के आगे पढ़ा ही नहीं था कि कोई मसाया आएगा

कि जो विश्वास करता है वो विश्वास से इब्राहिम की संतान है खुद यीशु मसीह ने कहा अपने पिता इब्राहिम की तरह विश्वास करो उसके परमेश्वर पे विश्वास करो मुझ पे नहीं तो अपने परमेश्वर पे विश्वास करो इब्राहिम को तो तुम जानते हो मोसेस को तो तुम जानते हो उसकी बातों पे विश्वास करो प्रभु इसलिए कहते थे कि उनके पास यशाया की पुस्तक थी वो लोग पढ़ते थे और प्रभु ने उनको यही कहा कि तुम बस नियम को पढ़ते हो फॉलो करते हो तोड़ते हो कुर्बानियां देते हो पर प्रॉमिस भी है आपके लिए उसको पढ़ो आ, हमारे लिए भी है आज इब्राहिम परमेश्वर के साथ है आज मूसा परमेश्वर के साथ है परमेश्वर के शागिर्द और जो अपोसल्स वो परमेश्वर के साथ है आप और हम कहाँ है ये कॉविनेंट हमारे बारे में है आज ये क्रिसमस हमारे लिए है

इसलिए आज मैं इंकरेज करना चाहूंगी कि आप अपने को मजबूत करें अगर प्रभु लोध को बचा सकता है अगर खुद प्रभु लोत को यह कह सकता है कि तुझे बिना बताए मैं कुछ नहीं नहीं करूंगा तो क्या प्रभु आपको नहीं कह सकता क्योंकि अब तो इब्राहिम नहीं है मूसा नहीं अब जो है हम लोग है हमारी बात हमारी नस्ले आएगी वो प्रभु के कोविडेंट को उनको भी सिखाए ताकि वो भी प्रभु के साथ चले मैं आगे थोड़ा पढ़ना चाहूंगी अः वर्स टेन में लिखा है सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रह सकता वह श्रापित है वो एज मैनी एज आर ऑफ द वर्क ऑफ द लॉ आर अंडर कर्स एक है कॉविनेंट और ब्लेसिंग एक है curse. क्योंकि हम सब वो टेन कमांडमेंट्स को नहीं कर सकते टेन कमांडमेंट के ऊपर से हम हम देखते हैं कि और 630 कमांडमेंट उसी के ऊपर से आए थे और एक प्रिंसिपल था। जजमेंट और परमेश्वर यहाँ हमें ये कहता है कि हम उसके कॉविनेंट में रहे और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापी थे क्राइस्ट है उसने पूरे रोल को रिवर्स कर दिया पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो ले लिया एंड दैट वी माइट रिसीव द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ पर हम देखते हैं कि भाइयों मैं मनुष्य की रीति से कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे उल्टाता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है आई स्पीक आफ्टर द मैनर ऑफ मैन दो इट वुड बी असिनेट गेट इफ इट बी कन्फर्म नो मैन डिस और दी अगर जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें पता है कि एक सर्टिफिकेट बन जाता है एक हमारा वो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जब तोड़ना रहता है तो उसका डिवोर्स के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है या अडोप्शन के पेपर रहते हैं या और भी या घर के कागजात रहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो एक अग्रीमेंट होता है उसकी एक प्रोसेस होती है वैसे ही हमारी भी एक प्रोसेस अब्राहम के साथ हुई थी यीशु मसीह के साथ और विश्वास के द्वारा हमने एक और एग्रीमेंट प्रभु के साथ किया है कि हम उसके साथ चलेंगे So, ज करना चाहूंगी क्रिसमस के दिन परमेश्वर की उस गिफ्ट को, जो प्रभु का था कि कौन सी वो वजह थी कौन सा वो रीजन था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जन्म लिया क्योंकि यहाँ से तो कॉविडेंट की सफरिंग शुरू हुई थी हम हम खुशियां मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं था वो तो सिर्फ मरने के लिए आए थे वो दुख उठाने के लिए आए थे वो प्रभु का नाम परमेश्वर का नाम और अब्राहम का कोविनेंट को कायम करने के लिए आए थे वो हमें अनंत जीवन देने आए थे इटर्नल लाइफ देने आए थे मेक योर कोविनेंट राइट विथ गॉड be into the relationship like abraham be into the relationship with jesus there is a power in the name of jesus because he is god himself अगर परमेश्वर ही हमारे कॉन्विनेंट में है तो हमारे खिलाफ कौन है इफ गॉड इज फॉर एस कैन बी अगेंस्ट एस आई Christmas इन द covenant विद गॉड परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करे सही करें और फिर क्रिसमस को मनाएं। Yes, क्रिसमस इज द पार्ट ऑफ covenant फॉर यू एंड फॉर मी एज वी हैव गॉट eternal लाइफ एज अ पार्ट ऑफ द covenant. जय मसीके थैंक यू you. Amen.